हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ मोनिका गॉड। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। तो आज की वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ मिनीशो फेस शीट मास्क को। तो ये मैंने मिनीशो से ख़रीदा है, और अगर आपने मेरा मिनीशो वाला हॉल वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी या आई बटन में दे दूँगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे जितनी भी मैं वीडियोज़ बनाऊँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फेस सीरम तो मैंने बहुत सारी ट्राई की है, लेकिन कभी फेस शीट मास्क ट्राई नहीं किया है। तो मेरे पास दो फेस शीट मास्क है, एक है रोजमेरी, एक है लेवेंडर। तो आज मैं रोजमेरी वाला फेस शीट मास्क ट्राई करूँगी। तो इसमें लिखा है कि ये स्किन को प्योरीफाई करता है, प्रोटेक्शन देता है, स्मूथ और नरिश रखता है। और इसको कैसे अप्लाई करना है, तो इसमें लिखा है कि पहले फेस को अच्छे से क्लीन करना है, फिर टोनर अप्लाई करना है, उसके बाद ये फेस शीट मास्क 10 या 15 मिनट के लिए अपने फेस पे रखना है, और उसके बाद जेंटली मसाज करनी है, और हफ्ते में इसको 2 या 3 बार आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें लिखा है कि क्लिंजिंग और टोनिंग के बाद इसे अप्लाई करना है, तो मैंने क्लिंजिंग और टोनिंग कर ली है। तो इसकी फ्रेग्रेंस तो काफ़ी अच्छी है, इस तरीके का है, इस पर बहुत सारा सीरम है, ये कुछ टपक भी रहा है, तो इस तरीके से। तो इसमें काफ़ी सारा सीरम है, और इसे मैं पहली बार यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे इसे थोड़ा अप्लाई करने में और एडजस्ट करने में टाइम लग रहा है। तो फेस शीट मास्क अप्लाई करने से पहले मैं ये सोच रही थी कि फेस सीरम और शीट मास्क में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि फेस शीट मास्क में सीरम ही होता है, और जबकि सीरम हमें सस्ता पड़ता है और शीट मास्क हमें महंगा पड़ता है, क्योंकि फेस शीट मास्क एक ही बार यूज़ होता है और वो 80-90 रुपीज़ का आता है, और जबकि सीरम 150 या 200 के अंडर आ जाता है और वो हम बार बार अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं शीट मास्क काम करता भी है कि नहीं करता। जैसे जैसे इसमें लिखा था वैसे मैंने इसको अप्लाई कर लिया है, और ये काफ़ी सारा सीरम इसके पैकेट में भी बचा है और इसके ऊपर कवर पे भी बचा है, तो मैंने इसको वेस्ट नहीं किया, इसको हाथों में अप्लाई कर लिया है। तो 15 मिनट्स तक मैं इसको फेस पे ऐसे ही रहने दूंगी। तो 15 मिनट्स हो चुके हैं, अब मैं इसे फेस से रिमूव करूंगी, और फेस पे जैसे इस पर लिखा था जेंटली मसाज करनी है। तो इसे रिमूव करने के बाद फेस पे अभी भी काफ़ी सारा सीरम है, और स्किन सच में काफ़ी ग्लोई लग रही है। तो फेस शीट मास्क अप्लाई करते ही मैं रिलैक्सिंग मोड पे चली गई, और इसे लगाते ही मुझे सीरम और इसके बीच का डिफरेंस समझ में आ गया। तो सीरम हमें सिर्फ ग्लो देता है, जबकि फेस शीट मास्क अप्लाई करने के बाद हमें रिफ़्रेश और रिलैक्स फील होता है। ये हमारी स्किन को हाइड्रेट भी रखता है और साथ में ग्लो तो देता ही है। तो एक चीज़ तो माननी पड़ेगी, इसे लगाने के बाद स्किन काफ़ी रिफ़्रेशिंग फील करती है, रिलैक्स फील करती है, और स्किन काफ़ी ग्लो करती है। तो मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा, और मैं तो सो भी गई थी इसे लगाने के बाद 15 मिनट के लिए। तो मैं आगे ट्राई करूँगी कि इनमें और दूसरी जो ब्रांड है उनमें क्या फ़र्क है। मैं और भी ब्रांड के यूज़ करना चाहूँगी और देखूँगी यार। तो मेरा एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा है, और सच में ये आपको भी यूज़ करना चाहिए, कम से कम एक बार तो ट्राई ज़रूर करना चाहिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई भी सजेशन मुझे देना हो वीडियो से रिलेटेड तो आप कॉमेंट बॉक्स पर दे सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।